महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 5 दिनों का समय बीत चुका है, लेकिन सरकार बनाने को लेकर बीजेपी शिवसेना में अब तक बात नहीं बनी है। शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ी है। शिवसेना का कहना है कि 2.5 साल मुख्यमंत्री का पद शिवसेना के पास हो और 2.5 साल बीजेपी के पास, लेकिन बीजेपी इस फॉर्मूले पर तैयार नहीं है। बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के फुल मूड में है, तो वहीं बीजेपी के सहयोगी पार्टनर शिवसेना का रुख और भी सख्त हो गया है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने इशारों में बीजेपी को बता दिया है कि 50-50 फॉर्मूले पर डील नहीं हुआ तो शिवसेना के पास और विकल्प है। बीजेपी पर तंज कसते हुए संजय राउत बोले कि हमारे पास अन्य विकल्प भी हैं, लेकिन हम उन पर काम करने का पाप नहीं कर सकते। अब शिवसेना का तेवर देखते हुए अमित शाह मुंबई पहुंच रहे हैं और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। शिवसेना के सख्त तेवरों को देखते हुए बीजेपी भी अपने विकल्पों पर विचार कर रही है, और अगर इस मुलाकात में उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच बात नहीं बनती है तो फडणवीस 2014 की तरह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। खबर यह है कि विधायकों की बैठक के बाद फडणवीस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर सरकार गठन का दावा कर सकते हैं। ये सरकार साल 2014 की तर्ज पर अल्पमत की सरकार होगी, जिसके गठन के बाद सदन में बहुमत परीक्षण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।